नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। कोरोना महामारी की वजह से सभी व्यापारियों के व्यापार धंधे ठप है। हालांकि शहर की महानगर पालिका की ओर से अभी भी इन व्यापारियों से कर वसूला जाता है, लेकिन व्यापार धंधे ठप होने के चलते ये व्यापारी कर की रकम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते आज विरोध पक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की ओर से इन सभी व्यापारियों की कर माफी की मांग की गई। कोरोना की वजह से देश भर में चली लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के तहत व्यापार धंधे को सबसे ज्यादा असर हुआ और लॉकडाउन में व्यापार बंद रहने के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि व्यापार धंधे बंद रहने के बावजूद भी महानगर पालिका की ओर से व्यापारियों से वसूले जाते हुए कर को माफ नहीं किया गया है, और अगर कोई व्यापारी कर ना दे तो उसकी दुकान को सील भी कर दिया जाता है। हालांकि पिछले कई वक्त से व्यापारियों की ओर से मेयर और कमिश्नर को इस मामले से अवगत करवाकर जल्द से जल्द कर माफी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है। हालांकि हाल ही में अहमदाबाद की महानगर पालिका ने लॉ गार्डन के पास मौजूद सभी दुकानों की कर की माफी कर दी है। ऐसे में आज वडोदरा शहर में विरोध पक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की ओर से वडोदरा में भी सभी दुकानदारों की कर माफी की मांग की गई है। गुजरात सरकार एक अच्छे अने गुजरात सरकार ना जो नियम बार पड़े तो बाद में बधा माटे सरका होय। जो अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने जे नागरिकों ने दुकान भाड़े आपेली हो छे, ई तमाम भाड़ुआत लो गार्डन नी पासे जितली दुकानों छे ई बधी दुकानोनो एमनी आवक नो स्रोत जे कहेवाय भाड़ू ई पण माफ कर्युं छे ने टैक्स भी माफ कर्युं छे। जो त्या माफ करी सकता होय तो वडोदरा शहर में रात्रि बजारना लोग आंदोलन करता होय, घरे घरे मांगणी करता होय, तो एमनू भी भाड़ू अने एमनू भी टैक्स माफ थवो जोईए कि नहीं? अने कॉर्पोरेशने ज्या ज्या भाड़ेथी दुकान आप्युं होय त्या बधानो टैक्स माफ थवो जोईए। हूँ तो आपना माध्यमथी जीईबीने कहेवा माँगु छू कि जो सरकार ज दुकान बंद करती होय तो तमे वीजळीनुं मिनिमम बिल भी कई रीते लई शको? માણસ વેપાર કરે તો વીજળી બિલ ભરે, જ્યારે વેપાર જ નથી કરતો તો વીજળી બિલ કેવી રીતે ભરે? આ તમામ બાબતો ચાહે લારી ગલ્લાવાળા હોય ચાહે પથારાવાળા હોય, પણ જો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માફ કરતી હોય તો વડોદરા શહેરના સત્તા પર બેઠેલા લોકોએ અને અધિકારીઓએ લોકોની વેદના સમજીને આ બધા વેરા અને ભાડું માફ કરવું જોઈએ, ચાહે માર્કેટ હોય ચાહે ગમે તે હોય, એનું માફ થવું જોઈએ એવું મારી સ્પષ્ટ માનવું છે। गांधीनगर के आहिर समाज की ओर से आज गाय को राष्ट्रीय प्राणी जाहिर करने की मांग के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्जुन भाई आंबलिया केंद्र सरकार के पास से उन्हें आहिर रेजिमेंट देने की और गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग लेकर धरने पर बैठे हैं, और गांधीनगर का आहिर समाज भी इसी के तहत पिछले कई वक्त से गाय को राष्ट्रीय प्राणी जाहिर करने की मांग कर रहा है। इसी धरने के तहत गुजरात राज्य में भी इन मांगों को पूरी करने की बात कही जा रही है, जिसके चलते आज आहिर समाज की ओर से गांधीनगर के कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। राजूला के महुआ रोड पर एक फाटक है जहां पर आज सुबह से ही एक डंपर के बंद पड़ जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये डंपर पूरा भरा हुआ होने की वजह से डंपर को अभी तक नहीं हटाया जा सका है, और इसी के चलते पीपावाव और बरबटाना दोनों ओर से आने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। प्रशासन की ओर से सुबह से इस डंपर को हटाने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अब तक ये डंपर नहीं हट पाया है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है। नए शैक्षिक सत्र के शुरू होने से अब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करवा दी गई है। हालांकि इसके बाद आज से RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू करवा दी गई है, लेकिन
आरटीई के तहत बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन उसकी वेबसाइट बंद हो गई, जिसके चलते अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के विभिन्न साइबर कैफे से जो दृश्य सामने आए हैं उसके मुताबिक अभिभावक घंटों तक लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए भी दिखाई दिए। फॉर्म भरवा माटे आया छे ने घरना लाइन में उभा छे अने हजु फॉर्म आया नथी एवुं कहे छे पण हवे फॉर्म खबर नहीं क्यारे आवशे अने घरना सवारथी लाइन में उभा छे वेटिंग में मेक्सिमम 4-5 कलाक थई गया सवारनी उभी छु 7 वागे एवुं कहे छे के हजु બપોરે ફોર્મ આવશે હજુ ફોર્મ આયા નથી લાઈનો એટલા માટે પડી છે કે આરટી નું ફોર્મ સવારથી વેબસાઇટ ચાલુ થઈ ત્યારથી જ બંધ થઈ ગઈ છે અને એના લીધે લોકોને બહુ જ હાલાકી ભોગવવી પડે છે અને ફોર્મ ભરાતું નથી જેના લીધે થઈને બધાની ના પાડવા છતાં પણ લોકો અહીંયાથી ખસતા નથી અને ઊભા રહીને પોતાના બાળકોના એડમિશન માટે રાહ જોઈને ઊભા છે. ના, આમાં અધિકારીનો તો કોઈ વાંક હોય નહીં, આ તો સર્વરનો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આ સર્વરના લીધે થઈને આ ધીમી વેબસાઇટ ધીમી ચાલે છે, આમાં અધિકારીનો કોઈ વાંક નથી. આના માટે તો તમારે ડીઓ કચેરીમાં રજૂઆત કરવી પડે, પરંતુ આ 1-2 દિવસમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. પરંતુ વાલીઓ પણ ઈચ્છે છે કે આજના દિવસે જ ફોર્મ ભરાઈ જાય કમ્પ્લીટ, એવું ઈચ્છે છે. કાલે પરમ દિવસથી વેબસાઇટ કમ્પ્લીટ ચાલશે, પરંતુ તેઓ લોકો રાહ જોવા માંગતા નથી, એઓને આજે જ ફોર્મ ભરી આપવું. હવે એ તો શું કહેવાય કે એક સાથે બધા પ્રયત્ન આખા ગુજરાતમાં ફોર્મ ભરાતું હોય એટલા માટે થોડી તો વેબસાઇટ સ્લો રહેવાની, અને આનું કારણ એક જ છે કે આ 1-2 દિવસમાં સ્મૂથ પ્રોસેસ થઈ જશે અને બધાના ફોર્મ પણ ભરાઈ જશે. सावली के ICDS विभाग की ओर से आज गर्भवती महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान क्या एहतियात बरतने चाहिए इस विषय में मार्गदर्शन दिया गया. सावली के भादरवा गांव पर ICDS विभाग की ओर से बाल विकास अधिकारी धरा जोशी की अध्यक्षता में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए इस विषय में मार्गदर्शन दिया गया. ये कार्यक्रम भादरवा की हाई स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न नाटिका और पपेट शो के जरिए महिलाओं को मार्गदर्शन दिया गया. आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हाई स्कूल के आचार्य और अन्य कई महानुभावों की उपस्थिति भी रही. ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मीत काचिया ने भेजी है. રોજ ICDS સાવલી ઘટક દ્વારા ભાદરવા ખાતે ગર્ભા અવસ્થાની કાળજી અને તંદુરસ્ત બાળકની ખાતરી તે વિષય અંતર્ગત પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ પ્રોગ્રામમાં ખાસ ઉપસ્થિતિ સરપંચ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ તથા સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ શ્રી વિરલભાઈની હાજરી હતી. નૂતન બાળ શિક્ષણ સંઘ દ્વારા એક સરસ મજાનો રંગલો રંગલી કાર્યક્રમ કીટ પપેટ શો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ હતો. તે કાર્યક્રમમાં સગર્ભા અવસ્થા દરમિયાન કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ, સમયાંતરે ડોક્ટરી તપાસ, સમયાંતરે રસીકરણ, પોષણયુક્ત કયો કયો ખોરાક ખાવો જોઈએ, તે સમગ્ર ટોપિક આવરી લેવામાં આવેલા હતા. ખાસ જે કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે તે સમય દરમિયાન સગર્ભાને તથા તેના બાળકોને કોરોનાથી કઈ રીતે બચાવવું અને તે સમય દરમિયાન ઘરના સદસ્યોએ પણ સગર્ભા માતાની કઈ રીતે દેખરેખ કરવી તે વિષય અંતર્ગત ખૂબ જ સરસ મજાનો પપેટ શો રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ICDS સ્ટાફ દ્વારા પણ પોષણ એન્થમ ડાન્સ રૂપે રજૂ કરવામાં આવેલ હતી. राज्य सरकार की ओर से कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर अब कई रियायतें दे दी गई है, जिसके मुताबिक अब गार्डन और चिड़ियाघर खोलने की अनुमति भी दे दी गई है. ऐसे में आज शहर के कमाटी बाग में मौजूद चिड़ियाघर को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. हालांकि पिछले कई वक्त से कमाटी बाग के इस चिड़ियाघर में रिनोवेशन का कार्य चल रहा था, जिसके चलते आज शहर के मेयर KU रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने चिड़ियाघर का जायजा लिया.
गुजरात सरकार द्वारा गाइडलाइन मुजब हवे कोरोना जे केस घटिया छे तेना कारणे अनेकविध नवा परिवर्तनों गाइडलाइन में आव्या छे। आजथी कर्फ्यू में पण रात्रे 10 वाग्या सुधीनी छूट आपवामां आवी छे अने एनी साथे आजथी बाग बगीचा रात्रे 9 वाग्या सुधी खुल्ला मूकवा अने ઝૂ જેવી વસ્તુઓ પ્રાણી સંગ્રહાલય પણ આથી ખુલ્લા મૂક્યા છે। ત્યારે વડોદરાની અંદર પણ જે ઝૂની મુલાકાત લઈને આ ઝૂ જે અમુક ભાગ નવો બનાવવામાં આવ્યો છે એની પણ મુલાકાત લીધી। એવિયરી જે ભવિષ્યમાં નવી આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે એમાં પણ કામ ચાલુ છે તો એની પણ મુલાકાત લેવામાં આવી છે અને એની સાથે આજે જ્યારે ઝૂ ખુલ્લું મુકાયું છે તો વડોદરાના નાગરિકોને નવીન રીતે સિંહ ચિત્તા બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં विदाउट ग्लास જોવા મળશે એવી પણ વ્યવસ્થા છે ત્યારે અમે નિરીક્ષણમાં આજે આવ્યા હતા। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।